हेलो गाइस, ये रहा एक नारेली गांव में जो मंदिर है गाइस, ये मेन द्वार है यहाँ का गाइस, दिख रहा होगा आपको। और ये हाईवे के पास में श्रीनगर रोड पे गाइस, ये अजमेर रोड है इस तरफ तो, और इस तरफ गाइस श्रीनगर रोड है, इसी रोड पे है गाइस ये मंदिर। मेन जो मंदिर के अंदर प्रवेश होता है गाइस, ये राम मंदिर के अंदर। हेलो गाइस, ये है नारेली का जो सेकंड द्वार है, नारेली का जो सेकंड द्वार है, और इस साइड में फर्स्ट जो द्वार है वो इसी साइड के अंदर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक गार्डन के अंदर, और ये देख सकते हो किस तरह ये डिज़ाइन है वगैरह, जो फूल पत्ती के अंदर डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हो रखी है देख सकते हो आप गाइस। और इस तरह की कितने शानदार एक से एक बड़े के पेड़ पौधे लग गए यहाँ पे, और ये देख सकते हो ये गार्डन है गाइस, ये आप देख सकते हो इस पे ये है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो डिज़ाइन देखो किस तरह की पत्ती है, बहुत ही शानदार शानदार एक से एक पत्ती है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ बच्चे हैं, दिख रहे होंगे गाइस कितने प्यारे बच्चे हैं, इसी मंदिर के अंदर ही स्थापित है। और यहाँ पे वैसे पानी का कुछ ये भी रखा हुआ है, और इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी हम आ चुके हैं यहाँ नारेली गांव के अंदर, और ये गाइस यहाँ का गार्डन देख सकते हो, इस तरह का गार्डन है, बहुत ही प्यारा गार्डन है यहाँ पे। और एक से एक पत्ती के अंदर डिज़ाइन देख सकते हो गाइस, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। और यहाँ का जो ये देख सकते हो मंदिर, तो गाइस बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ का। और ये देख सकते हो किस तरह की डिज़ाइन है, एक पत्थर की जो वाइट पत्थर आता है गाइस, उस पत्र के अंदर बनाई गई ये डिज़ाइन। और गाइस ये रहा एक फूल, तो गाइस दिख रहा होगा किस तरह का फूल है, ये बहुत ही शानदार फूल है। और ये जो ऊपर गणेश जी की मूर्ति दिखी होगी आपको, ये देखो पत्र की मूर्ति के अंदर बहुत ही शानदार एक डिज़ाइन दिखाई गई है। तो गाइस अभी मैं आपको भी आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड है, तो बोर्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है गाइस। तो गाइस ये रहा फिलहाल में, ये कुछ बोर्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा होगा गाइस, ये संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है गाइस। तो मुझे संस्कृत तो पढ़ना आता है नहीं, लेकिन हिंदी जरूर पढ़ना जानता हूँ गाइस, अगर आपको आता है गाइस यह देख सकते हो, ये रहा बहुत ही शानदार है। और इस ये देखो गाइस, ये मेन स्थान पे अभी थोड़ी देर के अंदर हम जाएंगे। और गाइस यहाँ पे एक से एक हरियाली पूरा दिख रहा होगा गाइस आपको, तो वो पीछे है वही मेन मंदिर है यहाँ का। तो चलते हैं गाइस अभी हम मेन मंदिर के ऊपर, आज आपको बताने वाला हूँ ये कुछ, ये देख सकते हो अंदर मूर्ति दिख रही होगी आपको, बहुत ही शानदार मूर्ति है आपको, ये चांदी के अंदर विराजमान है यहाँ पे कुछ मूर्ति है, देख रहे होंगे दोस्तों आप, बहुत ही शानदार इसी फिटिंग के अंदर, कांच की जो फिटिंग है गाइस इसी के अंदर फिट कर दी गई है इसको, इसी के अंदर जो कुछ भी कह रहे हैं मतलब कोई आगे पीछे से कोई जगह नहीं है यहाँ के लिए अंदर जाने के लिए गाइस। और बहुत ही शानदार तरीके से ये देख सकते हो फिटिंग की गई है यहाँ पे। और गाइस ये रहा इसके पीछे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसी के पीछे है। और गाइस फिर आपको मैं एक और ये स्तंभ दिखाता हूँ, कि पुराने ज़माने के अंदर किसी सेवा करते थे, तो पुरुषों ने देख सकते हो ये तीन पुरुष इस साइड में बैठे हुए और दो महिला इस साइड में बैठी हुई है गाइस, ये दिख रही होगी। और ये है जैन जैन समाज के जो भगवान है,
वो है गाइस यहाँ पे। और अभी एक स्थान और दिखाता हूँ दोस्तों गाइस, यह रहे जो गीता का पाठ करते हैं गाइस, ये दिख रहा होगा आपको असी स्थान के अंदर, देख सकते हो गाइस। ये देखो बहुत ही शानदार फिटिंग है इसी के अंदर, फेविकोल भी कहने का मतलब यहाँ पे फेल हो जाता है वैसे गाइस, और बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है, देख सकते हो गाइस इस पूरी पट्टी को, और बहुत ही शानदार ये लिखा हुआ कुछ नाम गाइस यहाँ पे देख सकते हो। और इसी के पीछे ये कुछ स्लोग है यहाँ पे कि पुराने ज़माने के व्यक्ति रहते थे उनके बारे में गाइस, कैसे क्या हुआ था, कैसे कुछ हुआ था इसी के बारे में। और गाइस ये रहा पेड़ पौधे, तो गाइस अब हम चलते हैं। तो गाइस हम फिलहाल के अंदर यहाँ से पीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं कुछ, मंदिर तो बंद दिख रहा है। तो गाइस यह रहा तो जैनियों का मंदिर है अभी तो फिलहाल के अंदर, इसी का मंदिर के अंदर ये मेन द्वार है, यह रहा ये हर सोमवार को खुलता है ये वाला द्वार, बहुत ही शानदार द्वार है। और ये रही एक द्वार इसी साइड के अंदर गाइस, ये देख सकते हो आप बहुत ही शानदार क्वालिटी से इसको डिज़ाइन किया गया है गाइस, तो देख सकते हो आप डिज़ाइन देख सकते हो गाइस बहुत ही शानदार। और यहाँ पे नीचे फर्शी लगा रखी है, तो गाइस बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, देख सकते हो कि किस किस तरह ये पत्थरों के अंदर इस डिज़ाइन निकाली गई है गाइस, डिज़ाइन किया गया है इस मंदिर को गाइस। तो जैसे जैन समाज के मंदिर के जो व्यक्ति है गाइस, बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ गाइस। ये पीछे एक छोटा सा बगीचा है गाइस, ये देख सकते हो, और वहाँ ऊपर एक मंदिर और बन रहा है वहाँ पे देख सकते हो गाइस, और कुछ इस तरह का इलाका है, बहुत ही शानदार मंदिर है ये गाइस। ये अजमेर ज़िले के पास में एक नारेली गांव के नाम से जाना जाता है, जो जैन समाज के जो व्यक्ति है गाइस, उन्होंने इस मंदिर के अंदर, जैन समाज के मंदिर के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की थी। तो गाइस ये देख सकते हो किस तरह डिज़ाइन किया गया है इन पत्थरों के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा गाइस, और ये एक दरवाज़ा इधर भी है, और ये ऊपर की सीढ़ी जाती है गाइस यहाँ से, देख सकते हो मंदिर के अंदर प्रवेश होने का से। ये रहा गाइस मंदिर के अंदर प्रवेश होने का एक पेड़ लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं फिलहाल के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। ये गाइस मेन जो मूर्ति है जैनियों के मंदिर की, तो गाइस इसी के अंदर स्थापित है, ये देख सकते हो गाइस बहुत ही डिज़ाइन तरीके से बनाई हुई है, हर चीज़ ये ब्लॉक बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो गाइस ये देख सकते हो मंदिर, तो गाइस ये दिख रही होगी आपकी एक मूर्ति, बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस मंदिर को। और ये रहा यहाँ का मंदिर, तो गाइस इसी के अंदर, और इसी के अंदर गाइस ये दान पात्र का एक भी लगा हुआ है, इस तरह का बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। तो गाइस अभी हम ब्लॉग बनाने में सफल हो चुके हैं, तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ले, तो इससे क्या होगा कि जैसे ऐसी वीडियो बहुत ही फंटास्टिक वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।